बात करते हैं स्टूडेंट्स के लिए। स्टूडेंट्स आई रियली फील वेरी सॉरी, क्योंकि हम समझ सकते हैं आपकी तकलीफ। बरोबर 8 घंटे एक मोबाइल को देखते रहना इजी बात नहीं है, ऊपर से मोबाइल का चार्ज बार बार उतर जाना, मोबाइल को चार्ज में रख के फिर पढ़ना बहुत तकलीफ है। सही बात है, और ये सबसे बड़ी बात तो आपको आपके पेरेंट्स आपको समझ नहीं सके हैं, टोक टोक करते रहें, आपको पढ़ाए पढ़ने के लिए इंसिस्ट करते रहें, और वह आपको थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन भी आ सकता है। यस आई कैन अंडरस्टैंड, बट वी नीड टू स्टडी, और कोई हमारे पास अल्टरनेटिव भी नहीं है। अब यही ऑनलाइन क्लासेस को इफेक्टिव कैसे बनाना है, ये लेट अस सी। ओके, मेरा पहला टिप स्टूडेंट्स के लिए ये रहेगा कि प्लीज़ कीप योर वीडियो ऑन। ये जो वीडियो ऑफ रख के आप जो करते हैं, आप खुद को एनालाइज करके देख लो। कोई भी ऑब्जेक्ट को आप अगर कंटिन्यूस 3 मिनट के ऊपर देखोगे ना, तो यहाँ आपका थॉट प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, दैट इज़ लाइक ड्रीमिंग। यस, ये आपको डिस्टर्ब करेगा, आपको फोकस करने में डिस्टर्ब करेगा। तो प्लीज़ कीप योर वीडियो ऑन। वीडियो ऑन से क्या होगा कि वहाँ जो टीचर का जो हलन चलन है, एक्शन जो है, टीचर की जो बातें हैं, वो आपको फोकस रखने में काम आएगा। साइंटिफिकली बताता हूँ स्टूडेंट्स, हमारा जो ये आंखें हैं और माइंड है, ये जो है एक कैमरा की तरह है। आपका मोबाइल किस तरह ऑटो फोकस करता है, आप देखिए, कभी भी कोई चीज़ को हिलाइए तुरंत 1 सेकंड में ऑटो फोकस करेगा, यही हमारे आंखों के साथ भी होता है। लेकिन अगर आपने एक डीपी रख दिया और वो उसे अगर आप 15 मिनट देखते रहेंगे, तो आपको या तो नींद आ जाएगी या तो आपको दूसरे ख्यालों में खो जाएंगे। दिस इज़ कॉल्ड थॉट प्रोसेस, सो यू नीड टू कम आउट फ्रॉम देयर। तो अगर आपको सही पढ़ाई करना है तो अपना वीडियो ऑन रखिए। दूसरी बात, क्लास ऑनलाइन क्लास इफ़ेक्टिव बहुत होता है, तो इस पे ध्यान रखिए, अपना कंसेप्ट क्लियर कीजिए। नहीं पता चलता है तो प्लीज़ आस्क योर टीचर्स। यस, आपको कुछ ना कुछ इंटरेक्ट करना ज़रूरी है, इंटरेक्ट करने से आप एक्टिव रहोगे, और दूसरी बात, क्लास भी एक्टिव हो जाएगा। क्वेश्चन पूछिए, टीचर आपको आंसर, टीचर यही चाहते हैं, क्योंकि टीचर भी अकेले अकेले में बोल रहे हैं, किसी क्लासरूम में वो अकेले बैठे हैं और कैमरा के सामने बात कर रहे हैं, तो टीचर्स के लिए भी वो बोरिंग है। अगर आप कुछ क्वेश्चन करोगे, कुछ इंटरेक्शन होगा, तो टीचर को भी इंटरेस्टिंग रहेगा, दैट्स अ थिंग। तो कीप आस्किंग, मेक योर कंसेप्ट क्लियर, पूछ ही लीजिए, क्योंकि एक बार क्लास ख़त्म हो गया, राइट, या तो टीचर ने वीडियो अपलोड किया होगा, फिर अगर आपको टेक्स्ट सेल्फ रीडिंग करना है, जब सेल्फ रीडिंग करोगे तभी आपको समझ पड़ेगा, और तब अगर आपको कोई डाउट आता है तो आपको ये जो वीडियो भेजा है, अपलोड किया है, वो आपको कॉम्प्लीमेंट्री है, उससे आप समझ सकते हैं, आपका डाउट क्लियरिंग कर सकते हैं। दिस इज़ हाउ यू कैन मेक योर ऑनलाइन क्लास मोर इफेक्टिव, राइट। फोर्थ, सेल्फ लर्निंग। सेल्फ लर्निंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स। अभी ये जब से ऑनलाइन क्लास आया है, बच्चों का सेल्फ लर्निंग स्टार्ट हो गया है, खुद को समझना, किसे अपने आप सॉल्यूशन लेके आना, दिस इज़ द बेस्ट वे ऑफ लर्निंग। यस, और ये जो चीज़ है आपको बहुत काम आएगा आगे की पढ़ाई में। जब जैसे जैसे आप बड़े क्लासेस में जाएंगे, आपको ये सेल्फ लर्निंग बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। और फिफ्थ टिप है, सिर्फ मोबाइल के सामने मत रहिए, राइट, अपनी आँखों में थोड़ा सा पानी वानी छाट के उसे ठंडा रखिए, और अच्छी तरह नींद लीजिए, राइट, अपने भाई बहनों के साथ खेलिए, थोड़ा सा फिजिकल एक्सरसाइज ज़रूरी है, मम्मी पापा के साथ बातें कीजिए, राइट, ये सब चीज़ ज़रूरी है, क्योंकि ये पेंडेमिक टाइम में 6 महीने से बहुत सारे बच्चे बाहर तक नहीं निकले हैं, और उनको अपने आप को हेल्दी रखना, अपने आप को एक्टिव रखना बहुत ज़रूरी है, तो ये सारी चीज़ें भी साथ में होना चाहिए। अपने मम्मी को हेल्प कीजिए, अपने पापा को हेल्प कीजिए कामों में, और इस तरह आप एक्टिव रहेंगे, साथ में आपकी पढ़ाई भी होती रहेगी। ओके, अच्छा, और लास्ट टिप ये रहेगा कि जितना हो सके लिख के देखो, जितना लिखोगे उतना प्रैक्टिस होगा। सम्स हो तो 2-3 टाइम करके देखो, तो ये प्रैक्टिस जो है आपको, ये आपको और परफेक्ट बना देगा, और इसलिए राइटिंग बहुत ज़रूरी है। जितना लिख के देखोगे उतना आपको परफेक्शन मिलेगा, राइट। सो आई होप यू गॉट दी गुड टिप्स, राइट। अगर आपके पास कोई सजेशन है तो आप भी अपना सजेशन कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, राइट। अब बात करते हैं पेरेंट्स के। पेरेंट्स, यस,
मुझे पता है पेरेंट्स का आज क्या हाल है, राइट। नए नए मोबाइल लेके देना, सारा दिन मोबाइल को देख रहा है, जब भी पूछो तो बोले मैं पढ़ रहा हूँ, मैं पढ़ रही हूँ, यही जवाब भी मिलते रहता है। और आप उलझनों में होते हो कि ये सही में पढ़ रहा है या गेम खेल रहा है, राइट। तो दिस इज़ द थिंग। तो आपके लिए एक दो तीन टिप्स हैं। सबसे पहले मैं ये बताऊँगा कि बच्चा पैंडमिक के टाइम से 6-7 महीने से बाहर नहीं निकला है, तो उसका जो माइंड की जो हालत है, उसका जो साइकोलॉजिकल इफेक्ट है वो उस पर काफ़ी है। तो नाउ वेरी सेंसिटिव टाइप है, राइट। अभी जो सिचुएशन है बहुत सेंसिटिव सिचुएशन है, तो वो कभी बाहर नहीं निकला, फिजिकल एक्सरसाइज नहीं हुआ, कुछ खेल वेल कुछ नहीं हुआ है, बाहर की दुनिया, तो वो ऐसे सिचुएशन में आपको उसको सपोर्टिव रहना ज़रूरी है। उससे थोड़ा सा अच्छी तरह बात कीजिए, फ्रेंडली रहिए, क्योंकि 8 घंटे मोबाइल को देखते रहना भी इजी बात नहीं है, राइट। और ध्यान दे के उसका पढ़ाई करना, फिर टेस्ट में भी मार्क्स लाना है, ये सारी चीज़ें इजी भी नहीं। सपोर्टिव रहिए और एक फ्रेंडली एनवायरनमेंट बना के रखिए, सो दैट वो आपके साथ शेयर कर सकें, फ्रेंकली शेयर कर सकें, और ये आपके लिए बहुत अच्छी बात रहेगी। यस, और रही बात पढ़ाई की, ट्राई टू अंडरस्टैंड, आप जिस तरह से देख रहे हैं वैसा होता नहीं है। आज टीचर्स के लिए भी ये ऑनलाइन क्लासेस पहली बार है, बच्चों के लिए भी ऑनलाइन क्लास पहली बार है। एक ऐसे टेक्नोलॉजी, ऐसी दुनिया में हम लोग ने एंट्री लिया है जहाँ हर चीज़ कुछ न कुछ नया नया होना ज़रूरी है। एक परमानेंट सिचुएशन नहीं आया अभी, तो इसीलिए थोड़ा सा आगे पीछे होगा, किसी के टीचर के एक्सप्लेनेशन में कुछ होगा, आपके बच्चे में अंडरस्टैंडिंग में थोड़ा प्रॉब्लम होगा, तो इट विल टेक टाइम। आपको थोड़ा टाइम देना ज़रूरी है, आपको थोड़ा एडजस्ट करना ज़रूरी है। गुस्से होने से या टीचर के बारे में गलत बोलने से कोई इसका सॉल्यूशन नहीं है, राइट। तो टीचर्स अपनी तरफ से बेस्ट देने के लिए ट्राई कर रहे हैं और वो दे रहे हैं, रोज़ कुछ नए आइडिया के साथ आ रहे हैं, सो दैट आपके बच्चे को पूरा नॉलेज मिले, राइट। तो और आपको पता है कि उनकी जो मेहनत है वो भी इतनी गुनी बढ़ गई है, फिर भी वो बिना हताश हुए आपके बच्चे को नॉलेज देने के लिए वो तैयार है। तो प्लीज़ उनको भी आप सपोर्टिव बनिए, आप एक कॉम्प्लीमेंट्री दीजिए, आप टीचर्स को भी थोड़ा सा उत्साहित कीजिए कि टीचर्स को थैंक्स बोलिए, ये उनके लिए थोड़ा सा इंक्रेजमेंट रहेगा, उनको मोटिवेट करेगा और वो थोड़ा अपना और अच्छी तरह अपना बेस्ट दे सकें। और ये और एक लास्ट टिप है, बच्चों को थोड़ा सा आराम दिलाइए। मैं पेरेंट्स से ये रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आप एक डेस्कटॉप दिला सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। डेस्कटॉप से थोड़ा सा स्क्रीन बड़ा होगा, बच्चे की आँख नहीं खिंचाएगी और उसको अंडरस्टैंडिंग में भी इजी रहेगा। आप उन्हें ध्यान दिया होगा जब वो मोबाइल से पढ़ते हैं, और टीचर ने अगर कोई इमेज रखा या कुछ राइटिंग रखा तो बच्चा ऑलमोस्ट थोड़ा आगे जाता है। दिस इज़ द रीज़न, यही चीज़ बड़ा स्क्रीन होगा अगर आप ले सकते हैं तो दैट इज़ इन। तो इफ़ इट इज़ पॉसिबल फॉर यू, ट्राई टू गेट अ डेस्कटॉप, ट्राई टू यूज़ ए डेस्कटॉप फॉर दी ऑनलाइन क्लास, ओके। तो फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, कैसा लगा वीडियो? आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करो, और वो बेल आइकन प्रेस करो सो देट आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे हमारे नेक्स्ट वीडियो का, ओके। लेट्स बी ऑनलाइन, ओके। बेस्ट ऑफ लक फॉर आवर ऑनलाइन क्लासेस, बाय बाय फॉर द नेक्स्ट संडे।